हमारी शिक्षिका से होता है और वही हमारा प्रथम प्यार होता है। जी, इन वाक्यों के साथ मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत है। आज स्मृति पटल पर याद आते हैं कुछ क्षण, आज स्मृति पटल पर याद आते हैं कुछ क्षण, कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ अविस्मरणीय पल। गुरु से प्रेरणा पाकर मैं हो जाती अभी प्रेरित, पहली बार हाथों को जिसने था पकड़ा, अपनी उंगलियों से संवेदनाओं से था घेरा, विद्यालय में जब अपना पहला कदम धरा, शिष्य नहीं शिक्षिका की भूमिका थी पाई। आज स्मृति पटल पर याद आती है कुछ क्षण, कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ अविस्मरणीय पल। मेरे हृदय में वात्सल्य के बीज का रोपण, मेरे लाडलों का गुरु पर समर्पण। शिक्षक तो बेहतरीन ही होता है, मगर राघव नैतिक अद्वैत, आकांक्षा का मिलन किस्मत से होता है, मगर राघव नैतिक आकांक्षा का मिलन किस्मत से होता है। ये मेरे वो बच्चे हैं जिनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे एक शिक्षक बनने पर और एक उत्तम कार्य करने पर प्रेरित करती है। अद्वैत वो बच्चा है जो आईसीयू में एडमिट था, डॉक्टर ने पूछा क्या चाहिए, क्यों नहीं खाना खा रहे हो, उसने बोला था मुझे मेरी भारती मैम से मिलना है। नैतिक मेरा वो बच्चा है कि स्कूल में सबसे पहला कदम रखने के बाद जो रोज गेट में मेरा इंतज़ार करता था। आकांक्षा मेरी वह बच्ची है, मेरा हर त्यौहार जिसकी शुभकामनाओं के साथ आरंभ होता है। है रंग कई जीवन के पहचान कराना भूमिका प्यारी, भविष्य है राष्ट्रहित जन कल्याण जिम्मेदारी, लोगों की अधीनता बनी है अवरोध की क्षमता। मैं अवाक हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ, परिश्रम तो कठोर है, समाधान की कोई सीमा नहीं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ती जा रही है कि आज शायद कहीं ना कहीं वो बच्चे और टीचर्स दोनों को ही अप्रिशिएट करना छोड़कर बस अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जा रहे हैं। आज मैं कैशियर भी, प्रबंधक भी, पालक भी और हर गंभीरता की जिम्मेदार मैं भी। जी, आज कृतज्ञता की कमी समाधान की झलक नहीं दिखाई देती, बच्चे कर रहे हैं कठोर परिश्रम और हम भी समाधान की जगह नए ध्येय लेते, कभी शिक्षक कभी विद्यार्थी प्रभाव में बहते, अच्छी बातें भुलाई बुरी बातें प्रकाश में लाए। टीचर के इतने सारे योगदान चुप जाते हैं कक्षा की चार दीवारी में, लेकिन हो जाती है थोड़ी भी गलती तो वो चर्चा हो जाती है गल्ले और मोहल्ले वारी में। है शुक्रिया आज की दौड़ती भागती दुनिया की, जहां आगे है बढ़ना कभी ना डरना, ना समझी पर उन्हें समझाया हम टीचर नहीं दोस्त बने, कभी माँ कभी बहन कभी होस्ट भी बने। और ना जाने कितने किरदार में हम बटे, आज रेलगाड़ी का सफर है स्टेशन का पता नहीं, कार्य प्रणाली है तेज रफ्तार इसमें कोई बचा नहीं। घर बच्चा टिफिन भूल जाए माँ कहती है लेते आना, क्योंकि कल इतवार है और इस कार्य से भी आज हम बचे नहीं। गलती घर हो जाए माँ माँ होने पर भी बच जाती है, कक्षा अध्यापिका ना बच पाती है। वो एक दो बच्चे का बोझ उठाती, लेकिन सोचो हर 30 मिनट में अध्यापिका 45 बच्चों को कैसे संभालती। अपने शिष्यों के बीच कभी दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती, अनगिनत साइन देने पर भी इनके पेज के इनकी कॉपी के अंतिम पृष्ठ पर ऑटोग्राफ की मांग है पाती। इसी 30 मिनट की तासिका में मैं दुनिया की सबसे बड़ी हीरोइन बन जाती हूँ। मैं कक्षा अध्यापिका हूँ, कभी इनकी माँ तो कभी इनका जहान बन जाती हूँ। मैं फिर भी सबकी डांट खाती हूँ, मैं फिर भी सबकी डांट खाती हूँ। हर पल करती हूँ मेहनत टूट टूट कर, हर पल करती हूँ मेहनत टूट टूट कर, इनके हर मैटर में घुस जाती हूँ, हर रिश्ते का प्यार मैं इनसे ही पाती हूँ। मैं भले बच जाऊँ प्रेरणा से अभी प्रेरणा से, मैं भले बच जाऊँ प्रेरणा से अभी प्रेरणा से, किंतु आरोप से ना बच पाती हूँ। मैं कक्षा अध्यापिका हूँ, अपने बच्चों के हिस्से की हर डांट खाती हूँ, अपने बच्चे के हिस्से की हर डांट खाती हूँ। इन सबसे अनजान है मेरे बच्चे, इनकी गलतियाँ पर ना कभी कमी होती, और मैं भी इनकी कक्षा अध्यापिका हूँ, माँ बनकर इनसे सब कुछ छुपाती हूँ। माँ
माँ इस सृष्टि का सबसे सुंदर शब्द है। सभी कवि लोग अपने समय का जरूर ध्यान रखें। माँ इस सृष्टि का सबसे सुंदर शब्द है। माँ है खूबसूरत, देती है जन्म, अध्यापिका है खुशकिस्मत, देती है जिंदगी को जन्म, हिकमत मुकद्दर बनाती है सिकंदर, इसी में मैं जाने अनजाने चाहे अनचाहे हर बार माँ की भूमिका निभाती हूँ। जी हाँ, मैं कक्षा अध्यापिका हूँ, हर बार अपना फर्ज निभाती हूँ। जब सुलझाती हूँ मैं नई गुत्थियों को, जब सुलझाती हूँ मैं नई गुत्थियों को, तो ना जाने स्वयं कितनी गुत्थियों में उलझ जाती हूँ। जी हाँ, मैं कक्षा अध्यापिका हूँ, अपना फर्ज निभाती हूँ और अपने हिस्से का सारा प्यार अपने विद्यार्थियों से पाती हूँ। जी हाँ, मैं कक्षा अध्यापिका हूँ। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।